एक बार तीन लोग भगवान की भक्ति कर रहे थे, जय कुमार होंगे और कौन होगा, संजय होगा, एक आध मनोज ले लो। सो भगवान की भक्ति कर रहे, बढ़िया मस्त भक्ति कर रहे। वो भक्ति करते करते महीना भर बीत गया, तभी भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले बालको हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तो तीनों खुश, चलो भगवान प्रसन्न हुए। पर एक बात ध्यान रखो, हम तुमको कुछ देंगे नहीं, तुम हमारी भक्ति कितनी भी करते रहो, हम तुमको कुछ देंगे नहीं। अब फिर भी देख लो तुम्हें करना है तो करो। तो अब तीनों में से एक बोलता है, भैया अरे भगवान ने मना ही कर दिया, अपन भक्ति तो इसलिए कर रहे थे, एक को किसी को कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, समस्याएं हो, तो भगवान भक्ति से सुना था दूर हो जाती हैं सांसारिक समस्याएं, धन संपत्ति की समस्याएं, पैसे की समस्या, दुख पीड़ा शरीर के, ये भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपन तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान देते हैं, पैसा देते हैं, धन संपत्ति सब देते हैं, ऐसा सुना था, और भगवान तो मना ही कर दिए, नहीं देंगे, अब कैसे करें। तो एक कहता है कि रहने दो, अब तो हम नहीं कर रहे, भगवान ने जब मना ही कर दिया, नहीं दे रहे तो अब हम तो जाते हैं, तुम लोग भी चलो। तो दो लोग कहते हैं, नहीं 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 अपन तो करते हैं भक्ति, तुम भी करो। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा तो ठीक, एक चला जाता, दो बचते। दो लोग फिर भक्ति करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान फिर प्रकट होते कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं फिर से आपको बता दे रहा, मैं कुछ दूंगा नहीं। आप कितनी भक्ति कर लो, आप सोच रहे हो कि आपकी मेरी भक्ति करने से आपके घर के संकट दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, व्यापार चलने लगेगा, धन संपत्ति बढ़ जाएगी, पुत्र पुत्रियां हो जाएंगे, यही तो सोच के आते हो भक्ति करने। क्या पढ़ते माता रविवार की पूजा में, रविवत पूजा में सुख संपत्ति क्या पार्श्वनाथ भगवान की पूछे ना, रविवत के दिन भाई सुख संपत्ति भव होए तुरति आनंद मंगल दाई। मतलब सुख संपत्ति सब रविवार के दिन पूजा करो, रविव्रत की पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक पार्श्वनाथी हैं, तो पार्श्वनाथ की पूजन करो, सुख संपत्ति धन संपत्ति सब आ जाएगी। यही सोच के कर रहे थे और भगवान ने तो कह दी हम तो नहीं देंगे, अब क्या करें। अब दूसरे व्यक्ति के तब ये देखो, पहली बार भी मना किया था, अब दूसरी बार जो एक बार मना करें फिर दूसरी बार मना करें तो पक्का हो जाता है। अब दूसरी बार ही मना कर दे कि भैया नहीं देंगे, अब भक्ति क्यों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसका प्रतिफल चाहता है, और बिना प्रतिफल के आज तक जगत में कोई कार्य नहीं करता। आप भी कोई कार्य करते हैं जगत में ही, कोई किसी के लिए, कोई कहीं किसी की सेवा करता है, नौकरी करता है, तो क्या चाहता है, पैसा मिले महीने पे, फ्री में कौन काम करता है। हर व्यक्ति प्रतिफल की इच्छा करता है। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपके तरफ प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ नहीं हो तो काय का व्यापार। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, अब साधु चतुर्मास करते तो सोचते हैं कि प्रभाव ना होना चाहिए, लोग जुड़ना चाहिए, धर्म की गंगा बहना चाहिए, लोगों में संस्कार आना चाहिए, तब तो उनका चतुर्मास करना सार्थक है, नहीं हो तो क्या मतलब। तो हर व्यक्ति प्रतिफल की चाह करता है, ऐसा जगत में कोई व्यक्ति नहीं जो बिना प्रतिफल के काम करता। सब व्यक्ति को कोई ना कोई प्रतिफल चाहिए। ये माताएं आपको भोजन बना के खिलाती हैं, क्यों खिलाती हैं, उनको रहता है परमेश्वर खुश रहेगा तो सामान दिलाता रहेगा, हाँ कपड़े गहने दिलाता रहेगा, और दुखी रहेगा तो कुछ नहीं दिलाएगा, व्यापारी नहीं करेगा अच्छे से तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से खरीदेंगे। इसलिए तुम्हें भोजन कराती हैं कि तुम परमेश्वर जाओ, पैसा कमाओ, लाखें हमें दो, इसलिए तुम्हें भोजन कराते हैं। वो इतने ही चाहती हैं तुम बस उनकी प्रशंसा कर दो कि भोजन अच्छा बना। यदि घर में लड़ाई होती हो, घर में महेश जी लड़ाई होती हो, किसी घर में चिक 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 बहुत होती हो, एक अच्छा सा फॉर्मूला, आप देवी के भोजन की प्रशंसा कर दो, बहुत अच्छा भोजन बनाया, इतनी मेहनत करती वो, आप सुबह से खाना लगा बनाती करती है, चौके में गर्मी में बैठती है, वो आप खा पी के निकल जाते हो चुपचाप,
कुछ बोलते नहीं हो कैसा बना कैसा नहीं बना। आप खाओ और खा के इतना कह दो भोजन तो आज बड़ा टेस्टी है, फिर देखो उसकी सारी थकान उतर जाएगी करने की, कल से दुगनी शक्ति से काम करेगी। यही चाहती बस हमने जो किया है उसके बारे में लोग अच्छा कह दें कि अच्छा किया। तो हर व्यक्ति प्रतिफल चाहता है, आप भी प्रतिफल चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो भक्ति कर रहा था, भगवान ने जब आके कह दिया कि अब नहीं देंगे तो बात पक्की हो गई। एक बार बोला था, सोचा था पिघल जाएंगे, दूसरी बार तो और पक्का कह दी। तो अब एक दोस्त कहता भैया अब अपन अब नहीं करते भक्ति, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या है भक्ति करने का फ़ायदा है। और वो भी फिर चला गया। अब एक बच्चा, वो तो फिर भी भक्ति कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, फिर भगवान प्रसन्न हो गए, बोलते हैं हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, लेकिन हमने पहली बार भी कहा था, दूसरी बार भी कहा था, और तीसरी बार भी कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं देंगे। तुम कितनी भी भक्ति कर लो कुछ भी नहीं देंगे। अब दो तो चले गए, तुम में को जाना तो तुम भी चले जाओ। तो कहता है तीसरा, भगवान आप दे भी क्या सकते हो, आप इस अभिमान में मत रहो कि आप दे सकते हो, आप कुछ दे भी नहीं सकते हो, और जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल ही रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते हो क्या। हाँ आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जो मुझे मिल रहा है उसे आप रोक सको, और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है आप मुझे कुछ दे सको, ये क्या बात है। ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान के अंदर इतने पावरफुल होने के बाद भी उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो आपको मिल रहा है उसे वो रोक सकें, है क्या। अपन जगत में तो देखते हैं कोई नेता हमको सुविधाएं मिल रही तो तुरंत रोक सकता है, रोक देता है, बंद कर देता है, हमको अहित कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि जो मुझे मिल रहा है आप में सामर्थ्य नहीं है उसे आप रोक सकें, और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं आप मुझे कुछ दे सकें, ऐसा हो सकता है क्या। हो सकता है क्या ऐसा, नहीं हो सकता। भगवान आ भगवान भी ऐसे सोचते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आश्चर्य पड़ गए। लेकिन वो व्यक्ति जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था, उसने कहा हे प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जो मिल रहा है उसे आप भी नहीं रोक सकते, मुझे जिस आनंद की अनुभूति हो रही है आपकी भक्ति करने से, जिस शांति का वेदन हो रहा है आपकी भक्ति करने से, उस भक्ति के आनंद को आप भी नहीं रोक सकते, और मेरे कर्मों के उदय से मुझे प्राप्त होता है, इसलिए मेरे स्वयं का कर्म होगा तो वस्तु मिलेगी और नहीं होगा तो वस्तु नहीं मिलेगी, इसलिए आप मुझे दे भी नहीं सकते। मेरा ही स्वयं का सुकृत का उदय आता है तब वस्तु की प्राप्ति होती है, मेरा ही स्वयं का दुष्कृत का उदय आता है तभी वस्तु का ह्रास होता है। नहीं तो देखो मंदिर में भी गाली देने वाले लोग फल फूलते देखे जा रहे हैं, भगवान को नहीं मानने वालों के पास भी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां हैं। यदि भगवान को नहीं मानने से, भगवान को मानने से संपत्ति होती, भगवान को नहीं मानने से नहीं होती, तो जो नहीं मानते वो गरीब दिखाई देने चाहिए थे और जो मानने वाले होते वो अमीर दिखाई देने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है नियामक। नहीं मानने वाले भी अमीर दिखाई देते हैं और मानने वाले भी अमीर दिखाई देते हैं, नहीं मानने वाले गरीब दिखाई देते हैं, मानने वाले भी गरीब दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि भगवान से कुछ नहीं मिल रहा है। अब समस्या यहीं खड़ी हो गई कि महाराज जी आप इतनी देर से बोल रहे हैं भगवान से कुछ नहीं मिल रहा, फिर भगवान भक्ति करें कि नहीं करें। और भगवान जब कुछ देते नहीं तो फिर आए क्यों यहाँ पर। बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, भगवान ने ना तो आज तक कभी किसी को दिया है और ना किसी ने भगवान से आज तक कुछ लिया है, लेकिन भगवान की भक्ति किए बिना आज तक जीव को कुछ मिला नहीं है। अब दो बातें कैसे जय कुमार जी, अब सुनो दो बातें ऐसे।
निमित्त नैमित्तिक, निमित्त होता है और एक नैमित्त होता है, एक उपादान होता है एक उपादेय होता है, एक कारण होता है एक कार्य होता है। हमारा स्वयं का कर्म हमारा उपादान है। जगत में जो भी वस्तु हमको मिल रही है उसमें हमारा कर्म का ही योग है। सुकृत कर्म दुष्कृत कर्म ये हमारे स्वयं के कर्म हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये हमारे स्वयं के कर्म हैं। उन्हीं कर्मों से हमको जगत की संपत्तियां प्राप्त होती हैं और जगत की संपत्ति से हम दूर होते हैं। फिर भगवान का रोल क्या है? तो भगवान का रोल कुछ नहीं है, भगवान तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो तो शांत हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। उन्हें ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, चाहे कोई इनकी पूजा करे सोने कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई इनकी निंदा करे सोने कोई मतलब नहीं है। उन्हें कोई गाली दे सो वो किसी को श्राप नहीं देते, कोई उनकी भक्ति करे तो किसी को वरदान नहीं देते। ये वीतरागी हैं, इनका राग बीत चुका है, किसी भी तरह का राग इनके अंदर किसी के प्रति नहीं है। इसलिए भगवान ना कभी किसी को आज तक दिए हैं और ना कभी देते हैं, और जो देते हैं वो कभी भगवान होते नहीं हैं। ये गांठ बांध लो। जैन दर्शन का भगवान जगत के और दर्शनों में भगवान तो वरदान भी देते हैं और श्राप भी देते हैं, इसलिए हम उनको भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वरदान और श्राप राग से और द्वेष से दिया जाता है, और जो राग देशी होगा वो कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए जो जैन दर्शन के जो प्रभु हैं, कभी कोई कहे भगवान देता है क्या, बिल्कुल जैन दर्शन का भगवान तो कभी नहीं देगा, ना आज देगा ना कल देगा ना कभी भविष्य में देगा, ना पहले देता था ना वर्तमान में देता है ना भविष्य में देगा। कभी भी जैन दर्शन के जो तीर्थंकर हैं उनकी कितनी भक्ति कर लो कितनी भक्ति कर लो, वो ना कभी प्रसन्न होंगे ना कभी प्रकट होंगे। लोगों की धारणा अन्य दर्शनों में ऐसा है ना, भगवान की भक्ति करो भगवान प्रकट हो जाता है, लेकिन जैन दर्शन का प्रभु एक बार जो भगवान बना सो बना, फिर कभी लौट कर नीचे नहीं आता। अन्य दर्शनों में तो अवतार होता है, लेकिन हमारे जैन दर्शन में अवतार नहीं होता। एक बार बन गए सो बन गए, फिर लौट कर वापस इस धरा पर नहीं आते हैं। इसलिए भी किसी प्रकार से भगवान ना तो आपके पास आएंगे ना आपको कुछ देंगे। ये गांठ बांध लो अच्छी तरह से, ये तत्व को सिद्धांत को दिमाग में बिठा लो कि भगवान कभी नहीं देगा, भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वो किसी को कुछ भी नहीं देंगे। अब सवाल आता है, फिर हम भगवान की भक्ति करके संपत्ति आदि धन आदि को प्राप्त तो करते हैं, देखा जाता है, बनते बिगड़े काम भी बनते हुए देखे जाते हैं, फिर ये कैसे होता है? तो हमारे भगवान तो नहीं देते, लेकिन भगवान के जब हम भगवान के चरणों में आते हैं भगवान के नज़दीक आते हैं तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, हमारे परिणामों में सरलता आती है। उनको देखकर हमारा मन भी वैराग से ओतप्रोत हो जाता है, संयम की ओर लगने लगता है। जब ऐसे परिणाम हमारे मन में अंदर अंदर चलते हैं तो उससे हमको तीर पुण्य का संचय होता है। उन परिणामों से क्या होता है, हमारा उनकी मुख मुद्रा देखकर उनकी शांत मुद्रा देखकर हमारे परिणाम शांत होते हैं निर्मल होते हैं, और परिणामों में उनके जैसा बनने का भाव आता है। उन्होंने जैसे गुण अपने अंदर प्रकट किए हैं वैसा हमको अपने अंदर के गुणों को प्रकट करने का परिणाम होता है। उससे जो अकार तीव्र अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य के संचय से हमारा कार्य बनता है। भगवान से पुण्य नहीं मिल रहा, हमारे ही जो परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं उनसे पुण्य मिल रहा है, लेकिन भगवान सामने हैं उनकी मूर्ति देखकर हमें अंदर से विशुद्धि पैदा हो रही है, अंदर से हम अपने आप को विशुद्ध कर रहे हैं। इसलिए निमित्त को हमने उपचार कर दिया कि भगवान ने दिया, भगवान से प्राप्त हुआ, मंदिर जाने से प्राप्त हुआ, पूजन करने से प्राप्त हुआ, व्रत करने से प्राप्त हुआ, वास करने से प्राप्त हुआ। वास्तव में जो भी प्राप्त हुआ हमारी स्वयं की विशुद्धि से हमको प्राप्त हुआ है, हमारे स्वयं के पुण्य से हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें निमित्त कारण देव सास गुरु बन गए। उनकी देशना सुनने से, गुरुओं की देशना सुनने से,
वो सुनकर हमारे मन में शांति हुई, उस शांति से जो विशुद्धि उत्पन्न हुई उससे पुण्य का संचय हुआ, उस पुण्य के संचय से हमारा कार्य बन गया और हमें लगा कि भगवान महाराज के आशीर्वाद से हमारा कार्य हो गया। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। यहाँ किसी को किसी का कर्ता नहीं स्वीकार किया गया। इसी बात को आचार्य भुवनाथ यहाँ पर कह रहे हैं, जो देवों के देव हैं ऐसे जैन देव की वंदना उनको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी वंदना उनको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए वंदना नहीं कर रहे हैं, अपितु अर्यंत की वंदना करके हम अपने कर्म बंध को समाप्त कर रहे हैं। हे ज्ञानी, यदि प्रसन्न करने के लिए वंदना करते हो तो इसका तात्पर्य कि आपका परमेश्वर मोह सहित है, द्वेष से युक्त है, जबकि जो आप्त होता है वो मोह से रहित है, जो आप्त है वो द्वेष से रहित है, जो आप्त है वो राग से रहित है। परम आत्म के परम आप्त के लिए आपकी वंदना की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपकी वंदना की आवश्यकता नहीं है, आपको आपकी आराधना की आवश्यकता नहीं है, उनको आपकी ना तो आराधना की आवश्यकता है ना वंदना की। ऐसा मत समझना कि हम भगवान की पूजा नहीं करने हैं तो भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक ही भाव स्त्रोत में वादिराज सूरी महाराज ने लिखा है, हे भगवान, सौधर्मिंद आपकी भक्ति करता है इससे आपका महत्व नहीं है, सौधर्मिंद आपकी सेवा करता है आपकी भक्ति करता है तो इससे आपका कीमत नहीं बढ़ती, इससे तो उसकी ही कीमत बढ़ती है। हम भगवान की भक्ति करने आते हैं यहाँ पर, उस भक्ति करने से भगवान की कीमत नहीं बढ़ती, आपकी ही कीमत बढ़ती है, आपका ही सम्मान बढ़ता है लोक में। अरे धर्मात्मा है, रोज भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता है, इससे किसका सम्मान बढ़ा, भगवान का कि आपका? तो हे प्रभु, भगवान आपकी भक्ति करने से आपकी कीमत नहीं बढ़ती, इससे तो उसी इंद्र का ही यश फैलता है, इससे तो उसी यश का ही इंद्र का ही यश फैलता है। आपकी भक्ति करने से आपकी कीमत नहीं है, आप उससे तो जो भक्ति करता है उसी की ही कीमत बढ़ती है। इसलिए हम भगवान की जो भक्ति करते हैं तो उससे हम अपना ही फायदा करते हैं। आप एहसान नहीं समझने, आप भगवान की अभिषेक पूजन कर रहे हो तो आप बड़ा एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे आप मंदिर में आकर तो। आप कभी किसी को मैं ना हूँ तो कोई पूजन करने वाला ना हो, कोई अभिषेक करने वाला ना हो, कोई देखने वाला तक ना हो, तो एहसान नहीं समझना। आपके पूजन से भगवान पूजनीय नहीं है, वो तो स्वयं के उनके गुणों से पूजनीय हैं, स्वयं के गुणों से पूजनीय हैं। और आप यदि उनकी पूजन करते हो तो आप भी अपने गुणों को प्रकट करके पूजनी बन जाते हो, सम्मानी बन जाते हो। इसलिए हम यहाँ पर कहा है कि भगवान के गुणों की वंदना से ना कमी आती है, ना भगवान में कोई अधिकता आती है, ना पूज्यार्थे तई वीतरागे ना निंद्यानाद विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्थिति ने पुनातु चित्तम दुर्तांजनेभ्या। हे भगवान, आपकी पूजा करने पर ना तो आप प्रसन्न होते, आपकी निंदा करने पर ना आप नाराज होते, क्योंकि आप तो राग से रहित हैं, तथापि फिर भी जो आपकी पूजा करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है और जो आपका निंदा करता है वो पाप को प्राप्त करता है। आप किसी को पुण्य पाप नहीं दे रहे तब भी आपकी पूजा करने वाला पुण्य को प्राप्त कर रहा है और आपकी निंदा करने वाला पाप को प्राप्त कर रहा है। इस तरह आचार्य ने यहाँ पर अभी प्रारंभ शुरू किया है। आज आपका समय हो गया, कल फिर हम यहाँ पे आगे और चर्चा करेंगे। आचार्य क्या कह रहे हैं, बोली भगवान महावीर सो अभी की।